वेलकम टू स्टडी सरस्वती एजुकेशन। वेलकम टू स्टडी सरस्वती एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम यानी प्रोनाउन। सर्वनाम प्रोनाउन की परिभाषा। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सरल शब्दों में सर्व शब्द नामों की संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आइए देखें कैसे। राधा सातवीं कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ाई में बहुत तेज है। उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती। वह अपने माता पिता का आदर करती है। आपने देखा कि ऊपर लिखे अनुच्छेद में राधा के स्थान पर वह उससे स्वयं अपने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। इसके प्रकार संज्ञा स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ बस सही है। मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वो, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द है। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। जैसे राधा नृत्य करती है। राधा का गाना भी अच्छा होता है। राधा गरीबों की मदद करती है। राधा नृत्य करती है। उसका गाना भी अच्छा होता है। वह गरीबों की मदद करती है। बस ऐसे आप, अपना, यह, इस, इसका, वह, उस, उसका आदि। अन्य उदाहरण। सुभाष एक विद्यार्थी है। वह सुभाष रोज स्कूल जाता है। ये सब हमने पढ़ लिया। उपयुक्त वाक्यों में सुभाष शब्द संज्ञा तथा उसके स्थान पर वह उसके उसे शब्द संज्ञा सुभाष के स्थान पर प्रयोग किए गए इसलिए ये सर्वनाम है। अब संज्ञा अपेक्षा सर्वनाम। कुछ सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम के भेद क्या क्या होते हैं बताता हूँ। सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 6 सर्वनाम। ओके, तो इन्हें आप लिख लीजिएगा। थैंक यू। तो अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम और बाकी सारे सर्वनामों के बारे में अगली वीडियो में मैंने दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू, और मेरे साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।